बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बच्चों के लिए सलेंटी की रेसिपी लेकर आए हैं कि ये किस तरह हम घर में बना सकते हैं। आप भी कहते होंगे कि ये तो एक सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा कि ये मिलती हैं, लेकिन इसलिए रेसिपी लेकर आई हूँ कि मैं अभी शॉपिंग कर रही थी तो ख़ातून कोई सलेंटी बच्चों को लेकर दे रही थी, जो कि इतनी सी कम सी निकलती है और जो है ना महंगी भी बहुत पड़ती है। मैंने उनको बोला कि ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, जहाँ से पापड़ वगैरह मिलते हैं, तो वो हैरान हुई कि अच्छा मिल जाती है। इसीलिए मैंने रेसिपी आपके सामने ये लेकर आई हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता कि ये सलेंटी भी बाज़ार में मिल जाती है। और यकीन करें, इतनी ज़्यादा सलेंटी मुझे ये 30 रुपये की पड़ी है, तो आप ख़ुद देखिएगा एक पूरा बॉल जो है ना वो इसको फ्राई करने से भर जाएगा। तो ये देखिए, इस हालत में ये होती है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है और फिर देखते हैं, इसको फ्राई करने के लिए शुरू करते हैं हम। और ऑयल जो है हमें गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी करके, जितना ऑयल हो उससे भी कम हम सलेंटी जो है वो, इसको देखें, तकरीबन तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड लगे हैं। और इसको अब हम निकाल लेते हैं। अक्सर औकात शाम को बच्चों को बहुत दिल चाहता है कि इस तरह की चीज़ें हों और वो पैसे मांगते हैं, बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं। हाँ, क्रिस्पी भी बहुत है और बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि हमें पैसे दें, हमें इस तरह की चीज़ें खानी है। तो आप घर में बना के तैयार करके रख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपके पैसों की बचत भी होगी। हाँ, मसाला भी छिड़क सकते हैं, चटपटा बनाना होते। अच्छा, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दावे से याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।